हेलो एवरीवन, जानता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन आपके जो भी सवाल है मैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि सर रिजल्ट गलत तो नहीं पब्लिश हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2400 ग्रेड पे एक पोस्ट की जो कट ऑफ गई है वो हमारे पास 528 मार्क्स देगी 600 में से, जबकि 4200 और 4800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है इस वाली कट ऑफ से, और वो भी कट ऑफ कितने में से, वो 800 में से है। तो ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैं सारे रीजंस दूंगा आपको कि एक्चुअली में जो कट ऑफ ये सही आई है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब किस वजह से ऐसा हुआ है ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो कैंपेन है उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें आपको बतानी है। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। ठीक है, 2400 ग्रेड पे पोस्ट की बात करें, यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, उसके लिए मिनिमम जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी से वो इतनी गई है, और इसी में बहुत सारी पोस्ट आती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, MBA, वो सारी पोस्ट इसी कट ऑफ के अंदर इंक्लूडेड होती है। 600 में से 528 है। 4200 ग्रेड पे की जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है। ठीक है, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है, ठीक है, उसकी कट ऑफ गई है इतनी। और 4800 ग्रेड पे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है, जो ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू, दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसकी कट ऑफ गई है 517 कितने में से, 800 में से। तो इसके पीछे का रीजन चलो एक एक करके आप समझना स्टार्ट करते हैं। टीयर वन की पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। टीयर वन की आप देखोगे लिस्ट वन, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से बहुत ज्यादा। आप देखोगे यहाँ पे यूआर कैटेगरी कट ऑफ है हमारे पास 180 मार्क्स, ठीक है, और ओवरऑल जो एस्पिरेंट्स थे जो क्वालिफाई कर पाए थे टीयर में वो सिर्फ 9000 के आसपास थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं टीयर टू की बात करूँ, टीयर टू में जो क्वालिफाई कर गए हैं वो लगभग एस्पिरेंट्स हैं मेरे पास 2400, और जो कट ऑफ गई है हमारे पास काफ़ी कम गई है, ठीक है, 517 गई है। लिस्ट टू की बात करता हूँ, लिस्ट टू का यहाँ पे आपके पास डेटा है सेकेंड पार्ट में, ठीक है, JSO और स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए जो है, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ है 2000, टीयर वन में हमारी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, 165 नंबर गई थी, और टीयर टू में जो हमारी गई है वो गई है हमारे पास 488 नंबर। जबकि आप देखोगे टीयर वन में बाकी सभी पोस्ट की जो कट ऑफ थी वो इन सभी पोस्ट से काफ़ी कम थी, 148 के मार्क्स गई थी, और यहाँ पे अगर फाइनल कट ऑफ देखता हूँ यहाँ पे मैं टीयर टू के बाद, ये कट ऑफ बढ़ के कितनी हो गई है, 528 मार्क्स हो गई है। तो ऐसे कैसे हो गया कि इसकी टीयर वन में सबसे कम कट ऑफ थी और इसकी टीयर टू के बाद इसकी ज़्यादा कट ऑफ हो गई, और जबकि इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर होता ऊपर वाली दोनों पोस्ट के लिए, तो वो 800 में से मार्क्स थे, ये 800 में से कट ऑफ है आपकी, ये 600 में से कट ऑफ है, इतना ज़्यादा गैप किस वजह से आया? ठीक, तो इसके लिए देखो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि वैकेंसी जो होती है हमारे पास, ठीक है, वैकेंसी के कंपैरिजन में ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब टीयर वन में क्या होता है कि टीयर वन में तो लिमिटेड वैकेंसी है, बाकी अगर लिस्ट थ्री की देखो, लिस्ट थ्री की तो मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, तो यहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियसली इसकी कम चली गई टीयर वन में, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि इतनी वैकेंसी है, इतने गुना कैंडिडेट्स को ही टीयर वन को क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये कट ऑफ ठीक है, एसएससी जो मानता है उस तरह से उन्होंने कट ऑफ निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, आप देखोगे सबसे पहला रीजन जो लोग अपियर हुए हैं ना, ठीक है, आपको पता है AAO पोस्ट के लिए आपको एक अलग से पेपर देना पड़ता है, ठीक है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, उसमें आप देखोगे यहाँ पे JSO पोस्ट के लिए जितने लोग एलिजिबल थे वो थे हमारे पास 19391, स्टेटिस्टिक्स का पेपर आपको यहाँ पे देना पड़ता है, और जो अपियर हुए एग्जाम में वो 130 के एस्पिरेंट्स अपियर हुए, 7000 लोग भी अपियर नहीं हुए। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ शिफ्ट टू की, मतलब ये है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पेपर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, हमने देखा था अभी 9000 लोग एलिजिबल थे लेकिन अपियर होने वाले अगेन 1/3 एस्पिरेंट्स ही रहे, हमारे पास 3415 लोग ही अपियर हुए एग्जाम के अंदर। तो इसकी वजह से अटेंडेंस एग्जाम में बहुत कम होगी, क्या वैकेंसी में कोई चेंज आया? वैकेंसी अब भी उतनी है, और अटेंडेंस कम किस वजह से हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि टीयर टू और टीयर थ्री एग्जाम क्या हो गए थे, एक साथ हो गए थे, 3 दिन का गैप था, तो लोगों ने सोचा कि बाकी सारी पोस्ट ले लेता हूँ, इन दोनों पोस्ट के चक्कर में इसकी तैयारी करने बैठा अभी मैं, तो हो सकता है कि मैं किसकी तैयारी ना कर पाऊँ, टीयर थ्री एग्जामिनेशन की तैयारी ना कर पाऊँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो सभी पोस्ट के लिए देना जरूरी है, तो इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे अटेंडेंस कम हो गई है, काफ़ी लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। पहला रीजन तो ये होगा कि पेपर में कम ही लोग देने गए। अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको टीयर टू में सिलेक्शन लेना है या फिर आपको क्वालिफाई भी करना है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं टीयर टू में, हर सब्जेक्ट में आपके अनरिजर्व कैटेगरी से मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूंगा तो आपको 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम। ओबीसी कैटेगरी से आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50 नंबर लाने पड़ेंगे 200 में से, और अगर अदर कैटेगरीज की बात करूँ तो 20% मतलब 40 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। अब हुआ क्या है, जो स्टैट्स का पेपर आया था ना इस बार JSO के लिए पोस्ट के लिए, वो बहुत मुश्किल आ गया था, लोग नहीं कर पा रहे थे, अनरिजर्व कैटेगरी से 60 नंबर ला रहे थे 200 में से, नहीं ला पा रहे थे लोग। ठीक है, मैं आपको अभी डेटा भी दिखा देता हूँ, जो महासर्वे करवाया था हमने टीयर टू की आंसर की आने के बाद, उसमें जो एवरेज काउंट था, मतलब जिन्होंने हमारे सर्वे में पार्ट लिया था, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग AO का पेपर जिन लोगों ने दिया था, 1013 लोग थे, ठीक है, और उनका एवरेज मार्क्स कितना था पता है? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसमें 86 था,
और यहाँ पे मेरे पास है कितना, 54। तो जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के जो लोग थे, जो जिन्होंने सर्वे में पार्ट लिया था, 1013 लोगों ने पार्ट लिया था, जिनका एवरेज स्कोर जा रहा था 86, लेकिन अगर स्टेटिस्टिक्स के पेपर की बात की जाए, इनका एवरेज स्कोर जा रहा था 54। तो एवरेज स्कोर आप देख रहे हो 200 में से कितना कम जा रहा है। जहां इंग्लिश और मैथ्स की बात करें, इंग्लिश में एवरेज स्कोर 170 जा रहा था 200 में से, और अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग था, ठीक है। 18 तारीख की शिफ्ट में 170 180 के आसपास था, और अगर 15-16 की बात की जाए तो वहाँ 120 के आसपास था, ठीक। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। लोग जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो भी क्लियर नहीं कर पाए, मतलब वैसे तो लोग अपियर ही नहीं हुए, जो अपियर भी हुए वो तैयारी करके नहीं गए, तो जो मिनिमम मार्क्स है ना क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहे। इसकी वजह से क्या करा एसएससी ने, जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने पेपर में अपियर हुए हैं और क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर लिया है, उन सबको लिस्ट में नाम डाल दिया है। तो इसकी वजह से कट ऑफ कम गई। अब वो लोग कौन है जिनके मार्क्स क्या थे, मैथ्स और इंग्लिश में कम है, लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर गए हैं, तो उनका लिस्ट में नाम है। इसी वजह से इन सभी कैंडिडेट, इन सभी पोस्ट की कट ऑफ क्या गई है, कम गई है। अच्छा, अब एक और कैच है यहाँ पे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए तो सभी लोग एलिजिबल हैं, राइट। तो मतलब जो भी ग्रेजुएट है वो ये पोस्ट पा सकता है, तो इसमें तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जो फाइनल कट ऑफ आएगी ऑब्वियसली वो थोड़ी ज़्यादा आएगी, इसकी टेंशन नहीं है, वो अच्छी कट ऑफ जाएगी फाइनल कट ऑफ इसकी, ठीक है। तो इसकी जो अभी की कट ऑफ है उसमें और फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डेविएशन आने वाला है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो पोस्ट की बात करूँ मैं, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट की और जूनियर इन्वेस्टिगेटर पोस्ट की, इन दोनों पोस्ट की बात करूंगा मैं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है जेएसओ और एसआई की, जेएसओ की 265 वैकेंसीज है और एसआई की वैकेंसी कितनी है मेरे पास, 840। और टोटल कैंडिडेट जिन्होंने टीयर टू को क्वालिफाई कराया वो है सिर्फ 1887, मतलब 50, मतलब यहाँ पे जितनी वैकेंसीज है ना, वैकेंसी 50% से भी ज़्यादा है जितने लोग टीयर टू को क्वालिफाई कर गए हैं, अब टीयर थ्री बचा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या है, देखो जेएसओ पोस्ट है इसके लिए 265 वैकेंसी है, इसके आप एलिजिबिलिटी पे जाओगे ना तो आपको मैथ्स में 60% भी है ना 12th में, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जहां बात आती है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या चाहिए, जो आपकी बैचलर्स डिग्री है उसमें एक सब्जेक्ट आपका स्टेटिस्टिक्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो मैक्सिमम लोगों का नहीं है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इस बार क्या होने वाला है, ये 840 वैकेंसी ये भरी नहीं जाएंगी, क्योंकि 1887 कैंडिडेट्स क्लियर कर पाए हैं टीयर टू एग्जामिनेशन को, उनमें से 840 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे ही नहीं जिनके पास ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होगी, तो ये सीट जाने वाली है इस बार बेकार, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। श्योर नहीं 100%, हो सकता है 840 में से आपकी 400 सीट भर जाए, हो सकता है 500 भरे, हो सकता है 300 भरे, और हो सकता है आपकी और भी कम भरे, ठीक है। क्योंकि टीयर वन और टीयर वन की कट ऑफ इतनी ज़्यादा थी तो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, इस एग्जाम को, जिनके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन थी। अब फाइनली जब हो रहा है, इतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें पता चलेगा कि लोगों के पास इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी बस मैंने ये बताया कि अगर आपके पास ये वाली डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, तीनों साल में आपके पास एक सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स का होना चाहिए, अगर तीनों साल में आपका एक सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स का रहा है और आपने एग्जाम दिया है और आपने ये जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया है, तो 100% मान के चलो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा है आपके यहाँ पे 550 नंबर क्यों रहा है, कितने में से, 900 में से, ठीक है, टीयर थ्री का रिजल्ट आने के बाद भी, तब भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ये चीज़ समझो। तो यहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जिन लोगों के पास ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है वो जरूर पेपर दे देना, आप पेपर में अपियर भी हो जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी, आई होप इससे आपको पता चल गया होगा क्यों इन पोस्ट की कट ऑफ कम गई है, और बाकी जो है अब मार्क्स आएंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी इस वीडियो में मेन मेन चीज़ें यही बतानी थी मुझे, बाकी आप चाहो तो स्टेट वाइज वैकेंसीज देख लो इन पर्टिकुलर पोस्ट की, ठीक है। जेएसओ स्टेटिस्टिकल, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसीज हमारे पास 265, ठीक है, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट की वैकेंसीज हमारे पास 840, अदर अदर कैटेगरीज की भी आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसीज हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सभी लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन मिल जाएगी अगर आप सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चैप्टर वाइज कंपाइलेशन भी काफ़ी टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने 2017 से 2019 की ज्योमेट्री की कंपाइलेशन आपको अलग से दे दी थी, सीपीओ 2020, सीएचएसएल 2019, ये सारी कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो अपकमिंग एग्जामिनेशन की। अगर मैं बात करूँ, ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सीजीएल 2019 के मार्क्स के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है 23 फरवरी को 11 AM पे,
ठीक है, हैशटैग है सीजीएल 19 मार्क्स। सबसे बड़ा टारगेट हमारा ये है कि सीजीएल 19 के मार्क्स आए, पता चले नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक, और दूसरा ट्विटर कैंपेन चल रहा है मोदी रोजगार दो। ठीक है, आपको पता है एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, किस तरह से वैकेंसी विद टाइम डिक्रीज करती जा रही है हर एक फील्ड में, और एग्जाम का प्रोसेस टीडीएस से टीडीएस होता जा रहा है। तो इसके लिए भी ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है 25 फरवरी को 11 AM पे। तो सभी लोगों को इस सभी चीज़ों में पार्ट लेना है और मैक्सिमम ट्वीट्स करने हैं, जिससे कि हमारी बातें हायर अथॉरिटी तक पहुँचें और सिस्टम में कुछ बदलाव आए, चीज़ें सही तरीके से हों। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।